नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। इंडेक्स व्यू 13 सितंबर 2024 और कल है फ्राइडे। क्या हुआ? यस, झटका तो लगा। हमने कल कहा था कि एक बाहर एक ऊपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ। हमने कहा था कि कंफर्म होगा जब वो ब्रेक करेगा 28,850। आज वहां पर पहुंचा ही नहीं और कंफर्म हुआ ही नहीं। जो प्रीवियस ट्रेंड था वो इंटैक्ट था और एक ब्रेकआउट मिला करीब 25,100 का। ये मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला 25,100 का, मैं मार्क कर लूँ ये वाला। इसके बाद जो अपमूव मिला वो शॉर्ट कवरिंग अपमूव था, शॉर्ट स्क्वीज था। जिसने शॉर्ट किया था वो आज फंस गए, क्योंकि आज थर्सडे था, एक्सपायरी वीकली। बस अब जाके जो प्रीवियस हाई था वहीं पर जाके बंद हुआ है। अब क्या लगता है? हम कहेंगे 25,200 अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे 25,100 जो मैंने मार्क किया हुआ है। जब तक हम 25,100 के ऊपर है हम कहेंगे ट्रेंड इंटैक्ट है। और भी जो शॉर्ट स्क्वीज होंगे, शायद और भी स्क्वीज हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जोन टू वॉक इज 25,100 जो यहाँ पर है, जो मैं अभी मार्क करने वाला हूँ 25,100। बस इसको ध्यान देना है, इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी क्या लगता है? बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला वहाँ पर 51,500, वो पार कर लिया। अब सपोर्ट है 51,100 का, और जब तक हम 51,500 के नीचे हैं तब तक हम ठीक है 51,500। बस इतना ध्यान देना है हमको, मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।